की जाति को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। एक समाज कहता है हमारा है, दूसरा समाज कहता है हमारा है। आखिर विवाद क्यों है और किन के हैं सम्राट मीरभोज? क्षत्रिय सम्राट मीरभोज क्षत्रिय समाज से थे, राजपूत समाज से थे। इनके जो आज वंशज है अरुणोदय सिंह, वो चीख चीख के कह रहे हैं पूरे देश में प्रदेशों में, भाई मैं इसका वंशज हूँ। उन्होंने अपने एफिडेविट कोर्टों में भी दे रखे हैं और उन्होंने 23 तारीख को 23 जुलाई को देहरादून के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है जिसके अंदर वो खुद आ रहे हैं। हमारे दूसरे समाज के लोग इसलिए इसको अपना मान रहे हैं। गुजरातरा प्रदेश जो उस समय में क्षत्रिय सम्राट मीरभोज होए हैं, गुजरातरा प्रदेश था, उसके ऊपर इन्होंने शासन किया है, उसकी उपाधि मिली है गुर्जर नरेश की। गुर्जर नरेश की उपाधि मिलने के कारण जो हमारे दूसरे समाज के लोग हैं वे इसको गुर्जर समझने लगे, ना कि ये गुर्जर नहीं है, ये एक क्षत्रिय समाज है। कल भी कॉन्फ्रेंस की गई है कैथल के अंदर गुर्जर समाज की तरफ से, उन्होंने कहा कि डिबेट कर लीजिए, हमने सामने आज तक के रख दीजिए, हम आज उड़कर चले जाएंगे वहाँ से। बिल्कुल डिबेट हुई है, बहुत बड़े लेवल पे डिबेट हुई है। उन डिबेटों को देखते हुए जो आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने एक शोध कमेटी का गठन किया है। हम तो इनको ये भी कहते हैं भी उस शोध कमेटी का तो इंतजार करो, अगर वे इसको गुज्जर क्षत्रिय सम्राट गुज्जर सम्राट कहेंगे तो गुज्जर लिख देंगे, अगर क्षत्रिय सम्राट कहेंगे तो फिर क्षत्रिय लिख देंगे, उसका तो इंतजार करो। तो सरकार भी तो साथ है ना, सरकार के जो मंत्री हैं वो भी उनका अनावरण करने के लिए मुक्ति का पहुंच रहे कैथल के अंदर 20 तारीख को, तो क्या तो पता क्या जी आने जाने बात है। आज उनके 5 से 6 विधायक बन रहे हैं, एक केंद्र में मंत्री है कृष्ण पाल गुज्जर, आज हमारे सिर्फ 2 विधायक है, तो आना जाना है, कल हमारे बन जाएंगे। अपने चलती में कौन कसर छोड़ दिया, आज वे चला रहे हैं कैथल में, उनका विधायक है, जिला अध्यक्ष उनका है, इसलिए उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्षत्रिय समाज को। तो वो तो ये कहते हैं ना कि 20 तारीख को अनावरण होगा, किसी हालत में भी होगा, समाज करेगा, अगर कोई मंत्री नहीं आएगा सरकारी दबाव के अंदर तो उनका समाज खुद अनावरण कर देगा मुक्ति का, रोक लीजिए जिसको रोकना है। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, आज उनकी सरकार में चल रही है, लेकिन कल क्षत्रिय समाज बहुत ज़्यादा संख्या में कैथल के अंदर इकट्ठा होगा। ये नहीं पता केवल 20 से 50 हज़ार आदमी वहाँ पहुँच जाए। हमारी तो हम तो सिर्फ शासन प्रशासन को बोल रहे हैं भाई जो ये टकराव होने जा रहा है इसको आप रोको, नहीं तो जाल माल का जो भी नुकसान होगा उसका जिम्मेवार शासन प्रशासन होगा। देखिए दोनों हम समाजों की बात करते हैं कि गुज्जर समाज है, राजपूत समाज है, दोनों के अंदर साथी तत्वों की बात सामने आती है कि दूसरी तरफ कहते हैं कि उस समाज के अंदर साथी तत्व है और आप भी कहते उस तरफ भी है, आखिर वो लोगों को बात क्यों नहीं करते जाता है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, उसके आगे हिंदू सम्राट लिखो, क्षत्रिय सम्राट लिखो, सम्राट मीरभोज लिखो, एक जाति में क्यों बांधने की कोशिश कर रहे हैं इतने बड़े बड़े महापुरुषों को जो सभी बिरादरियों के हुए हैं। और जो ये समाज की तरफों से दो चर्चर युवा है, हम उनका बिल्कुल साथ नहीं देते, अगर वो गलत है समाज की तरफ से भी वो गलत है, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई बनती है तो करो, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार के मंत्री आपके राजपूत समाज के जो मंत्री हैं उन्होंने भी अनावरण किया सम्राट मीरभोज के नाम से मुक्ति का, तो तब को नहीं रोका, तब समाज के लोग क्यों आगे नहीं आए? कि ये पुराने टाइम की बात है, सब वोट बैंक की राजनीति है, वोटों को रुझाने के लिए सब इनका अनावरण करते हैं, लेकिन आज क्षत्रिय समाज जाग गया, वो अपने महापुरुषों को किसी भी उसमें जाने नहीं देगा, सिर्फ यही चीज तो बच रही है। हमारे एक क्षत्रिय समाज ने अपनी 556 रियासतों को एक अच्छे आदमी के कहने से रियासत भाई एक अखंड भारत का गठन हो उसमें अपनी रियासत दे दी थी। आज हमारे पास सिर्फ महापुरुष बचे हैं और कुछ नहीं बच रहा, अगर ये भी चला गया तो फिर इस समाज के पास कुछ नहीं बचेगा। मैं मेरे सभी क्षत्रिय सरदारी सभी हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, कल अपने महापुरुषों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए ज़्यादा संख्या में कैथल पहुँचे, जो क्षत्रिय सम्राट मीरभोज चौक है 11 बजे उसके ऊपर पहुँचे, तो वो समाज में पहुँच रहा है इसको तो भी कर देंगे ऐसे तो उनका 20 खराब हो गया ना। हमारे तो कल की है 19 तारीख को, ये तो प्रशासन ने देखना है, जो हरियाणा की सरकार है हमारा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, गृह मंत्री अनिल विज, तो उनको देखना है दो समाज क्यों टकराने दे रहे हैं वो, जबकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला भी हमने ज्ञापन के साथ DC को दिया है, उस हाईकोर्ट के फैसले में सीधा लिख लिया भाई आप इसके आगे एक जाति शब्द नहीं लगा सकते, आप इसके आगे सम्राट लिखिए, उस ऑर्डर की कॉपी में लिखा है सब। तो मोदी ये भी कहते हैं ना कि दोनों समाज एक जगह बैठ कर, जैसे पंचायत हो रही है आप भी बैठे हो ना जगह जगह, आप समाज आपके समाज के अंदर जा रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो कि हमारे हैं,
दूसरी तरफ वो भी चाहिए, उनका यही कहना है जैसे आपके भी अंदर जो लोग हैं वो भी कहते होंगे कि एक जगह बैठ करिए आप सलाह कर लीजिए, पंचायत कर लीजिए कि किन का है, समझौता कर लीजिए बैठ के। राजपूत समाज कम से कम 10 बार जो इनके शीर्ष नेता है इनके अथर जिले के अंदर सबसे मिला है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, आश्वासन देने के बाद फिर भी वो गुज्जर शब्द लिख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और एसडीएम डीएसपी द्वारा कल एक मीटिंग बुलाई गई थी 5 से 6 आदमियों की दोनों तरफ से, लेकिन गुज्जर समाज एक दिन का समय लेके चला गया। भाई हमारी जो बड़ी संगठन है, जो हमारी गुज्जर सभा है पूरे देश की, उनसे हम सलाह करेंगे, जो वो बोलेंगे हम तो उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन आज भी डीसी साहब द्वारा और एसपी साहब द्वारा 3:30 बजे दोबारा फिर मीटिंग बुलाई गई है ताकि ये टकराव ना हो सके। टकराव हम भी नहीं चाहते, हम भी यही चाहोगे उसके आगे हिंदू सम्राट लिख दो, ना उसके आगे राजपूत लिखो ना गुज्जर लिखो, हिंदू सम्राट लिख दो, हिंदू में सभी आगे 36 बिरादरी आगे। वो तो इसी बात पे अड़े है ना कि लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा जो मूर्ति मांगे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर वो इस बात पे अड़े है नहीं, ये आने वाले समय में उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है राजनीतिक तौर पर। बुजुर्ग समाज ये भी कहता है कि राजपूत समाज के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको, जो आज के युवा हैं उनको समझा लेना चाहिए कि बैठ कर बात हो जाए, अगर बुजुर्ग नहीं समझाते जो लोग सामने आएंगे जो युवा सामने आएंगे तो हम टकराव के लिए साथ, जिस तरह टाइम दे दीजिए जहाँ टाइम रखोगे वहाँ पहुँच जाएंगे। टकराव को रोकने के लिए तो शासन प्रशासन की जिम्मेवारी होती है, लेकिन रही बात डिबेट की, हमारे पास भी तथ्य है, उन तथ्य के आधार पर तो जो सेंटर में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने एक टीम गठित करी है, उस टीम गठन का वेट क्यों नहीं करते भाई? वो अपना क्या निर्णय देगी, गुज्जर सम्राट का निर्णय देगी या क्षत्रिय सम्राट का देगी? अगर समझदार राजनीतिक लोग हैं उस समाज के, उस टीम का फैसला आएगा, उसका वेट करना चाहिए। वो तो कहते हैं किदारी के अंदर भी मूर्ति लगा दी गई थी, हमने कुछ कहा नहीं, पर इसके इसके आगे अक्षत्रिय सम्राट लिखा है, अक्षत्रिय में भी सभी आते हैं, इसके आगे कोई हमने राजपूत सम्राट थोड़ी लिखा था, ये भी तो एक देखो लिखण ने हम राजपूत भी लिख देते, लेकिन हम ऐसा कोई टकराव नहीं चाहते, इसके आगे हमने एक क्षत्रिय लिखा था उस टाइम का, जिसके पास भी कोई फोटो है उस अनावरण की आप देख सकते हो। मूर्ति खरीद कर दी गई थी, किसने की थी? वो कहते हैं कि राजपूत समाज ने कर दी, कौन सी मूर्ति कहते हैं? नहीं वो बिल्कुल झूठ है जी, वो इसको तूल देना हवा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ लोग इसमें फालतू बोल बोल के समाज में टकराव पैदा हो जाए। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं अगर किसी ने भी कर लिया, चाहे वो राजपूत समाज से हो या क्षत्रिय समाज से हो, किसी समाज से हो, हम उनके साथ हैं, चाहे उस पर कोई भी कार्रवाई करानी पड़े। तो माफ उनको सब क्यों होते हैं ना, जाति उनको बढ़ जाएगी, हम तो नहीं मान रहे, यही तो हम कहने लग रहे हैं। आप जो नहीं, आप भी तो ये कह रहे हो कि हमारे हैं, वो कह रहे हमारे हैं, कोर्ट के, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो हिंदू सम्राट लिखे आ रहे हैं या क्षत्रिय सम्राट लिखे, क्षत्रिय में काफी जाति आती है, जिन्होंने युद्ध लड़े हैं योद्धा है सारे क्षत्रिय में आते हैं, हम जातियों में नहीं मान रहे, वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गुज्जर शब्द लिखा गया एक जाति में बन जाएगा इतना बड़ा महापुरुष जिसने बहुत से युद्ध लड़े हैं, अपने इस देश का नाम बहुत ऊंचा किया है। 19 तारीख को राजपूत समाज के अथल में हनुमान वाटिका में एकत्रित होंगे और दूसरी तरफ 20 तारीख को जो गुज्जर समाज है वो भी अनावरण करेगा मुक्ति का, आपकी जो समाज है उनसे अपील क्या रहेगी? हमारी तो हमारे समाज से अपील है भाई, आपने कुछ फालतू नहीं बोलना, किसी को गलत नहीं कहना, हमारा तो मैसेज सरकार को देना है, सरकार रोकेगी मीरबोध के आगे क्या लगेगा? वो आज सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, नेशनल हाईवे और जो स्टेट हाईवे है उनके ऊपर आप चौंक नहीं लगा सकते, ना उनके पास NOC है, ये तो शासन प्रशासन का काम है भाई, वो कैसे रोकेंगे? सब कुछ शासन प्रशासन के हाथ में है, अगर इस टकराव को रोकना है रोक सकता है, अगर करवाना है करवा सकता है। तो आपके समाज के नेता भी तो बीजेपी सरकार में बैठे हैं ना, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, छोटे पद हैं। मेरी जो मेरे समाज के नेता है, मेरी उन सबसे अपील है मेरे समाज के माध्यम से, आज उनको आगे आना चाहिए, आज उन्होंने समाज का साथ देना चाहिए, कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, अपनी सरकार को मैसेज देना चाहिए भाई, अगर आज हम समाज के साथ नहीं खड़े हुए तो कल समाज हमारे कहने से वोट कैसे देगा? ये समाज के नेताओं से मेरी अपील है। जो सामने नहीं आते नेता उनका क्या होगा? बिल्कुल आएंगे, आज नहीं तो कल कॉन्फ्रेंस रखेंगे जो मेरे समाज के, मेरे पर विश्वास है वो जरूर सामने आएंगे।